नमस्कार। इन दिनों देश भर में धर्मांतरण के मुद्दे पर लगातार बात हो रही है। बार बार देश भर से ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं जहां लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाकर अंधविश्वास के सहारे उनका मत परिवर्तित किया जा रहा है, उनका धर्म परिवर्तित किया जा रहा है। आज ही विश्व हिंदू परिषद ने धर्मांतरण के खिलाफ एक अभियान की घोषणा की है, और इस अभियान के बारे में और विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री विनोद बंसल जी जुड़े हुए हैं। विनोद जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। विश्व हिंदू परिषद ने धर्मांतरण के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान की घोषणा की है। क्या धर्मांतरण सच में इतना बड़ा विषय है? क्या सच में समाज में धर्मांतरण इतने बड़ी संख्या में हो रहा है कि उसके लिए अभियान की आवश्यकता है? देख कि भारत में हिंदुओं की जो जनसंख्या है वो पहली बार स्वतंत्र भारत में पहली बार 80% से कम हुई है। दूसरी बात ये कि जो ईसाई मिश्रण या मुसलमानों की जो ग्रोथ रेट है वो 26% पहुंच गई है, जो कि भारत के टोटल ग्रोथ रेट जो 16-17% है उससे कहीं अधिक है। तीसरा एक और जब बड़ा महत्वपूर्ण बात है, अगर आप देखें कि जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो मुसलमानों की कई राज्यों में 34% तक पहुंच गई है। आप देखिए कि आसाम के अंदर 34% है, वेस्ट बंगाल के अंदर 27% है, उत्तर प्रदेश के अंदर 19% जनसंख्या जो है वृद्धि दर है, ऐसे ही जो है आपके केरल के अंदर 26% है। इसी तरह से अन्य राज्यों में भी जनसंख्या की वृद्धि दर मुसलमानों की ये बढ़ती जा रही है। अगर ऐसे ईसाइयों की बात करें तो ईसाई जनगणना में भी अब ग्रोथ रेट आप देखिए कि अंडमान की 21% है, आप अरुणाचल प्रदेश की 30% है, मणिपुर में ईसाई आपके 41% बढ़े, वहीं मेघालय में तो 74%, नागालैंड में 87%, और आप अगर इस उत्तर भारत की बात करें तो भी जो है आप देखिए दक्षिण भारत के केरल में 18% और गोवा में 25% की ग्रोथ रेट है इनकी। ये आखिरकार कैसे बढ़ रहा है? ये कोई सामान्य घटना नहीं है ये, और हमें किसी पर्टिकुलर समुदाय के ग्रोथ रेट की कोई चिंता भी नहीं है। लेकिन कारण क्या है कि जब धर्मांतरण राष्ट्रांतरण की तरफ जाता है तब चिंता होना स्वाभाविक है। रात और रात उसकी जो जो सोचने का तरीका है वो बदल जाता है, उसकी श्रद्धा और आस्था या तो वेटिकन सिटी में होती है या मक्का मदीना में होती है। अभी आपने कुछ दिनों पहले इस बात को लेकर ट्वीट भी किया था, मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के विषयों को लेकर। मध्य प्रदेश में लगातार एक के बाद एक धर्मांतरण के विषय आ रहे हैं। जब धर्मांतरण के विषय पे बड़ी परेशानियां क्या आती हैं? धर्मांतरण रोकने में सबसे बड़ी परेशानी क्या आती है? यदि धर्मांतरण की आपके मनसा नहीं है तो चर्च का नाम मंदिर क्यों? अगर धर्मांतरण की मनसा नहीं है तो पादरी का वेश भगवा क्यों? अगर धर्मांतरण की मनसा नहीं है तो जादू टोना टोटके क्यों? अगर धर्मांतरण की मनसा नहीं है तो लोभ लालच प्रलोभन क्यों? अगर धर्मांतरण की मनसा नहीं है तो आपका स्वास्थ्य लाभ का बहाना क्यों? अगर धर्मांतरण की आपकी मनसा नहीं है तो जाति वही पुरानी और नाम बदलकर अपना आसमानी वो क्यों? आखिरकार मूल प्रतीकों का अपमान क्यों? SC ST के जो अधिकार हैं उस समाज के अधिकारों पर कुठाराघात क्यों? भारत की राजनीति में दखल क्यों? और विदेशी मुद्रा का दुरुपयोग क्यों? आप मुझे बताइए कि टीका कलावा और जो क्या बोलते हैं गले में जो माला पहन करके साधु के वेश में लोग क्यों दिख रहे हैं? भाई ये पादरी तो कभी नहीं जाते थे। और चर्च में जो है वो प्रार्थना के नाम पर हमारा ही सारा सारा अपना अपना लिया उन्होंने कि यीशु भागवत, यीशु कथा, यीशु प्रार्थना, यीशु सत्संग, ये और हम जैसे राधे राधे करते हैं तो वही यीशु यीशु चिल्लाने लगे। अभी पिछले दिनों एक सेवा के कार्यक्रम में मेरे पास में एक बस्ती है, कोड़ियों की बस्ती, कुष्ठ रोगी रहते हैं वहां पर, और उस बस्ती में क्या हुआ कि एक कार्यक्रम था हमारा मंदिर में, मंदिर में हवन करने के बाद में हम लोग मैंने बस्ती में, बल्कि दिवाली का उत्सव था, हम लोग मिठाई विठाई लेके गए थे और लोगों के साथ उनके साथ दिवाली मनानी थी। तो देखा कि जैसी बस्ती के अंदर घुसा एक बड़ा सा भगवा द्वार बना हुआ था, अब अकादा देखने में मंदिर लग रहा था और अंदर से आवाज रामधुन की आ रही थी और ढोल मजीरा बज रहे थे तो जम के। मेरी श्रीमती जी साथ में थी, उन्होंने कहा यहाँ तो बड़ा अच्छा सत्संग हो रहा है। वो अंदर घुस गई
बाहर देखा नहीं कि क्या लिखा है कि नहीं लिखा, उन्होंने मंदिर का भगवा रूप से देखा और वो अंदर घुस गई, और अंदर जाकर के उन्होंने कहा भाई यार तो बहुत अच्छा, बोलो जय श्री राम। उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया तो पादरी के कान खड़े हो गए, बोले क्या हुआ, बोले ये तो चर्च है, बोले कहाँ चर्च है, तुम तो ये सारे सारे हिंदू बैठे हैं और यहाँ पर जो है तुम कर क्या रहे हो, बोले ये वो हम तो यीशु के लिए प्रार्थना करो, यीशु को प्रार्थना कर रहे हो, ये तो रामधुन पर गा रहे हो। तो ये जो षड्यंत्र है, ये छल प्रपंच लोभ लालच चंगाई स्वभाव के माध्यम से जिस तरह से बोले वाले हिंदुओं को बरगलाया जा रहा है, या उनके स्वार्थ के कारण, या यूं कहो कि उनकी मजबूरी के कारण, उनको पैसे का, कभी नौकरी का, तो कभी अन्य प्रकार का झांसा दे करके उनका धर्म खरीदा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के अंदर तो अनेक जगह ऐसी हैं, गंज बसोदा हो गया आपका, झाबुआ हो गया आपका, और भी कई सारे इलाके हैं जहां पर के बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के अड्डे चल रहे हैं, और उसको रोकने के लिए विश्व प्रसिद्ध दल के कार्यकर्ता लगातार सक्रिय है वहां पर। और आप देखिए लगातार जो है हमारे ऊपर चाहे केसेस भी दर्ज हो रहे हैं, हमें प्रताड़ित भी किया जाता है और उनको लोगों द्वारा हमले भी किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है हम उसको मानने वाले नहीं है। अनाथालय के नाम पर छोटे छोटे मासूम बच्चों को जाना कहां कहां से अपने ट्रैफिकिंग करके, चाइल्ड ट्रैफिकिंग करके और लाया जाता है, और यहाँ पर इस धर्मांतरण की गतिविधियों में उनको लिप्त किया जाता है। तो इन 10 दिनों की हमारी योजना क्या है, हम लोगों को आखिर जागरूक करेंगे कैसे, हम कैसे पहुंचे? देखिए ये जो 11 दिवसीय योजना है, 20 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक हम देश के कोने कोने में जाएंगे, अलख जगाएंगे, लोगों को जगाएंगे और जागरण करके उन जिहादियों की, मिश्रणियों की पोल खोलेंगे। आप देखिए कि वैसे हम 23 दिसंबर पूजनीय स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस है जी। और ये ऐसे महात्मा थे जिन्होंने आजीवन अपने जो शुद्धि का आंदोलन चलाया, आर्य समाज के एक बहुत महान संत थे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी कुछ लोगों की शुद्धि की थी, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के स्वामी श्रद्धानंद ने कहा कि बड़े पैमाने पर जो हमारे बंधु हिंदू धर्म छोड़ के जा रहे हैं, सनातन धर्म छोड़ के जा रहे हैं, उनको मुझे वापस लाना है और जो जा रहे हैं उनको रोकना है। और रोकने के लिए उन्होंने पता है आपको गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में एक गुरुकुल कांगड़ी में पहला गुरुकुल खोला, और उसके लिए उन्होंने कई सालों तक जो है ना पैदल चल के और सारा कुछ छोड़ करके भीख मांगी, और तब जाके एक गुरुकुल की स्थापना हुई जो आज की डेट में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के नाम से प्रख्यात है। हम उन पूज्य संतों को भी नमन करेंगे जिन्होंने घर वापसी की प्रेरणा दी, हम उन महापुरुषों को भी नमन करेंगे जिन्होंने धर्मांतरण के लिए हमेशा से अडग रह करके और कट्टर बन करके उसमें लड़ाई लड़ी, हम उन सब मिशनरियों की और जिहादियों की पोल भी खोलेंगे कि किस तरह से धर्मांतरण के अनवरत प्रयास अब तक हो रहे हैं, आपको किस तरह से छला जा रहा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर पा रहे, आपके बच्चों को किस तरह से शिक्षा के नाम पर धर्म बेच, आपके बच्चों का धर्म खरीदा जा रहा है। हम ये भी बताएंगे कि आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो ऐसा हो रहा है जिसकी कल्पना आप आज नहीं कर पाएंगे, आज के कुछ दशकों के बाद आपको पता लगेगा कि ये तो मेरा बच्चा ही नहीं रहा, तो उस तरह की चीजों को बताएंगे। तीसरा ये कि धर्म के प्रति स्वाभिमान जगाएंगे लोगों के मन में, और साथ साथ अपने सेवा के कार्यों का विस्तार भी करेंगे। ये आप देखिए कि पिछले दिनों एक ईसाई पादरी ने स्वयं इस बात को रियलाइज किया था कि कोरोना काल में हमने जितने चर्च भारत के अंदर बनाए हैं संभवतः आज तक कभी नहीं बनाए। आप देखिए कि अकेले बिरसा मुंडा जी ने मात्र 25 वर्ष की आयु में, और न सिर्फ अंग्रेजों से बल्कि इस्लामिक जिहादियों और ईसाई मिशनरियों से प्रखर युद्ध किया, बिना किसी संसाधन के किया, और अंततोगत्वा वो लड़ते रहे। ऐसे महापुरुष से प्रेरणा लेने वाला वो वीर समाज जो है उसकी वीरता को नमन करते हैं, और साथ ही साथ इन सरकारों को चैलेंज भी देते हैं कि उनके अधिकारों के प्रति कुठाराघात की सोचना भी मत, नहीं तो भीषण परिणाम होंगे।